Hi, मैं हूँ मदीहा खान एंड हियर्स विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे. कहते हैं ना, अ हेल्दी वुमन इज अ हैप्पी वुमन, और इसीलिए वुमेन्स हेल्थ को और सीरियसली डिस्कस करते हुए आज हमारे साथ एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर है, डॉक्टर रेखा जी डावर, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट है सर एच एन रिलायंस हॉस्पिटल में एंड ऑल्सो प्रोफेसर एमरिटस एट जे जे हॉस्पिटल. डॉक्टर, वेलकम टू रिलायंस फ्रेश. थैंक यू. तो सबसे पहले शुरुआत करते हुए, हमने ये नोटिस किया है कि मिराकी की जो उम्र है वो 13-14 साल से अब 10-11 साल की उम्र पर चली गई है. तो इतनी यंग एज में जब आपको आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स शुरू होते हैं, ऐसी उम्र में उन बच्चियों के लिए और उनकी माँ के लिए क्या जानना, क्या समझना ज़रूरी है? मिराकी की एज कम होते जा रही है, इसलिए जो लड़कियां पहले हाई स्कूल में थी, आज मिडिल स्कूल के लड़की को ये पीरियड्स चालू हो रहे हैं. तो इसलिए माँ को जो बात करनी है बच्चों से, वो आज जल्दी करनी है. 10 साल की उम्र में माँ को ये बताना है कि बेटा, अभी ये पीरियड्स कभी भी चालू हो सकते हैं, और ये पीरियड्स आना ये शारीरिक धर्म है. हर महीने स्त्री को पीरियड्स आते, और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, स्वच्छता के बारे में उसे उनको बताना चाहिए. और माँ की एक भी ये जिम्मेदारी है कि जब मेंस्ट्रुएशन चालू हो गया, इसका मतलब लड़की जवान हो रही है और अब शारीरिक संबंध होने से उसके गर्भधारणा हो सकती है, तो ये माँ की बड़ी जिम्मेदारी है कि उसको इसके बारे में भी समझाए. एक और चीज़ है जो कि डिजीज़ से कहीं ज़्यादा अब एक फोबिया भी हो गया है औरतों में, और वो है PCOD. तो सबसे पहले डॉक्टर, PCOD है क्या? PCOD इज का उसका लॉन्ग फॉर्म है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज. जो ओवरी रहती है वुमन, उसके अंदर छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं. तो आज सोनोग्राफी के वजह से हमें ये मालूम पड़ जाता है कि 10 सिस्ट से ऊपर ओवरी में रहे तो हम उसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज कहते हैं. पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज में ओवरी से जो हार्मोन निकलते हैं उसमें इम्बैलेंस हो जाता है. और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज में ये देखा गया है कि ज़्यादातर लड़कियाँ जो स्थूल है, वजन ज़्यादा है, उनमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज बहुत होते हैं. और सिर्फ वजन कम करने से कई बार हमने ऐसा देखा है कि हार्मोन्स रेगुलर हो जाते हैं. तो वजन कम करना दो चीज़ों से हमें बच्चों का करना है. एक्सरसाइज के बारे में मैं बोलूँगी तो आजकल मिडिल स्कूल हाई स्कूल के बच्चे जब देखते हैं तो बाहर जाके खेलना मैदान में कम पसंद करते हैं, एंड दे आर ऑलवेज ग्लूड टू सम स्क्रीन. मोबाइल पे देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, इंटरनेट देख रहे हैं. तो उसकी जगह उन्हें एक्टिव एक्सरसाइज करना चाहिए फिजिकल. और डाइट ऑल्सो इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. हमारा ट्रेडिशनल इंडियन डाइट है हर प्रांत का, वो बहुत बैलेंस्ड और अच्छा है. पर हम कहीं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में ज़्यादा हम मैदा, नमक, शक्कर, इसका सेवन ज़्यादा हो रहा है. तो नेचुरल फूड्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आर ऑलवेज गुड फॉर हेल्थ एट ऑल एजेस. और खाने में भी कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन की मात्रा अच्छी चाहिए. जो शाकाहारी लोगों में प्रोटीन कम खाते हैं, तो उनके लिए दूध के सभी पदार्थ और सब चना, छोला, राजमा, सब प्रकार की दालें, इससे उन्हें उनकी प्रोटीन की मात्रा मिल सकती है. मगर फैट एंड शुगर, इसके वजह से ओबेसिटी बढ़ती है. जो आजकल बच्चे ज़्यादा केक एंड कुकीज एंड ऑल बेकरी प्रोडक्ट्स, तो ये सब ध्यान रखेंगे. बच्चों को चीट डे जरूर दीजिए एक संडे, क्योंकि मानेंगे नहीं कि पिज्ज़ा हैमबर्गर खाए बिना, पर 6 दिन घर में बना हुआ अच्छा आहार लेंगे तो ओबेसिटी कम होगी और PCOD भी बहुत कम होगा. तो ये तो थी बात PCOD के बारे में, लेकिन इसके अलावा कई सारे वैक्सीनेशंस हैं जो कई सारी प्रॉब्लम्स जिससे महिलाएं गुजरती है उसे आने से पहले ही रोक सकती है. उन वैक्सीनेशंस के बारे में बताइए. देखिए, वैक्सीनेशन तो हम जन्म से चालू करते हैं, वो आपको सभी मालूम ही है. DPT है, पोलियो है, TB है. नया जो वैक्सीन आज आया है वो है HPV वैक्सीन, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन. और इस वैक्सीन को हमें लड़कियों को जब शारीरिक संबंध होने के पहले, शादी के पहले देना है. एक बार शारीरिक संबंध हो गए तो HPV इन्फेक्शन हो चुका रहता है. तो इसलिए हम कहते हैं कि 10 से 15 साल की लड़कियों में सिर्फ 2 डोज देने पड़ेंगे. ये वैक्सीन थोड़ा सा महंगा है, आज अपने इम्यूनाइजेशन फ्री प्रोग्राम में नहीं है, मगर 2 डोज के 5,000 रुपये मुझे लगता है बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है लड़की के फ्यूचर में. क्योंकि जब कैंसर सर्विक्स होता है 40, 50, 60 की उम्र में,
तो बहुत ही उसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी आपने सुना होगा। और आज हमारे पास है कि 99% हम इस कैंसर सर्विक्स को HPV वैक्सीन देने से रोक सकते हैं, मगर जल्दी देंगे तो 2 डोज, 15 साल की उम्र के बाद देंगे तो 3 डोज देने पड़ेंगे। तो मैं सब माओं से यही कहूँगी कि अपनी बच्चों को इस HPV वैक्सीन के 2 डोज 10 से 15 साल के बीच में दिलवाएं। अब कॉन्ट्रसेप्शन के नाम पर हम सब इमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्टिव पिल्स के बारे में जानते हैं, लेकिन लाइफ के किसी भी स्टेज पर, भले वो टीनेज हो, प्री मैरिज हो या पोस्ट मैरिज हो, डॉक्टर रेखा, अनवांटेड प्रेगनेंसी से कैसे डील किया जाता है? अनवांटेड प्रेगनेंसी और जो हम टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये रिस्की चीज़ है और इसे नहीं करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छे कुटुंब नियोजन के, फैमिली प्लानिंग के साधन है जो हमें रेगुलरली यूज़ करना चाहिए। इमरजेंसी इमरजेंसी के लिए ही रखना है। तो हमारे पास बहुत अच्छे साधन जो है, तो स्त्री गोलियां यूज़ कर सकती है जिसको हम हार्मोनल पिल्स कहते हैं, पुरुष निरोध या कंडोम यूज़ कर सकते हैं, और इंट्रायूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जिसको कॉपर टियाम लोग जानते हैं वो भी हम बिठा सकते हैं। और ये सभी साधन बहुत अच्छे हैं और उसका इस्तेमाल करने से उनके ऊपर नौबत ही नहीं आएगी कि गर्भपात। बिल्कुल। लेकिन जब प्रेगनेंसी भी आती है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल फेज होता है वो, लेकिन तब एक औरत की जो हेल्थ होती है वो एट स्टेक होती है, तो उस वक्त पर किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? पहली तो ये चीज़ है, प्रेगनेंसी यानी बीमारी नहीं है, ये एक फेज है वुमन के लाइफ में। तो थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज, थोड़ा डाइट चेंज और मेडिकल अटेंशन की उनको ज़रूरत है, मगर वो अपना काम, अपना एजुकेशन, नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकते हैं। पहली चीज़ होती है प्रेगनेंसी में तो उल्टी और मतली होना चालू हो जाता है आमतौर पर सभी को, और उसके लिए थोड़ा सा डाइटिक एडवाइस कि सुबह उठने के बाद हम सारे ही लोग कुछ ना कुछ चाय, कॉफ़ी, पानी, नींबू पानी, लिक्विड लेते हैं, उसके जगह उन्हें सॉलिड और ड्राई फ्रूट जो मीठा है, जैसे कि छुआरा है, किशमिश है, जर्दालू, अंजीर, इस तरह की, या ग्लूकोज बिस्किट या कोई भी बिस्किट जो शुगरी चीज़ खानी है, और फिर दिन भर में न्यूट्रिशियस फूड खाना है। जो हमारे आसपास ये घिरा हुआ हम देख रहे हैं, ये सारा न्यूट्रिशियस फूड है, ऑल वेजिटेबल्स, ऑल फ्रूट्स, सभी तरह के फल, वेजिटेबल, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और उसके साथ दूध, क्योंकि कैल्शियम की ज़रूरत है। और फिर डॉक्टर के पास जाएंगे तो हम उनको 4th महीने के बाद, जब उल्टी बंद हो जाती है, उसके बाद आयरन और कैल्शियम ये थ्रू आउट प्रेगनेंसी देंगे। पर ज़रूरी ये है कि तकलीफ हो या ना हो, हर महीने डॉक्टर के पास जाए, ब्लड प्रेशर, वज़न, सोनोग्राफी, जो जो बताएंगे, हीमोग्लोबिन, यूरिन, वो लगातार करते रहे तो माता और बालक का आरोग्य सही रहेगा। डॉक्टर रेखा, मेनोपॉज ये कई औरतों के लिए रिलीफ है और कई औरतें इससे बहुत ज़्यादा डरती भी है, तो मेनोपॉज के बारे में आपका क्या कहना है? मेनोपॉज ये एक नेचुरल फेज है औरत के ज़िंदगी में। आप उसका एज, अभी उम्र थोड़ी बढ़ी रही है, पहले 45-50 में मेनोपॉज होता था, आजकल 50-55 के बीच में मेनोपॉज हो रहा है। मेनोपॉज नॉर्मल है, उससे बिल्कुल ही डरने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अ फेज इन लाइफ जहाँ इस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन्स नीचे जा रहे, तो इसलिए मेनोपॉज होने के 1-2 साल पहले से इसके सिम्टम्स नज़र आते हैं कि जो महीने की जो मेंसेस रहते हैं वो महीने के 2 महीने में चालू हो जाएंगे, ब्लीडिंग है वो कम होता है, ये नेचुरल मेनोपॉज है। मगर मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ब्लीडिंग कोई भी स्टेज पे ज़्यादा हो रहा है, बार बार आ रहा है, खून के गट्ठे गिर रहे, क्लॉट्स गिर रहे, ये बिल्कुल मेनोपॉज का चिन्ह नहीं है, ये कैंसर का, ये फाइब्रॉइड का, ये बीमारी का चिन्ह है। और आपको ब्लीडिंग कभी भी ज़्यादा हो रही है, दर्द जो पहले नहीं था चालू हो गया है, बार बार हो रहा है, तो आप ज़रूर स्त्री रोग तज्ञ के पास जाइए, अपना तपास कराइए और जो भी बीमारी है उसका इलाज किया जा सकता है। कई औरतें सिर्फ मेनोपॉज की राह देखती है कि 1-2 साल में मेरा पीरियड ही बंद हो जाएगा, और इतनी एनीमिक होके आती है कि हमें उनको खून चढ़ाना पड़ता है। लेकिन मेनोपॉज से रिलेटेड एक और चीज़ है कि सभी का ऐसा मानना है कि जब मेनोपॉज आता है तो औरतें बड़ी चिड़चिड़ी हो जाती है, ये क्या है एग्जैक्टली इसके पीछे? देखिए, जब हार्मोन्स कम हो रहे हैं तो 6 महीने साल का एक पीरियड है, जब मैंने कहा आपको मेंसेस देर देर से आ रहे हैं, ब्लीडिंग कम हो रही है, लक्षण दिख रहे हैं, तो हार्मोन्स कम होने की वजह से थोड़ा स्त्री का नेचर में चिड़चिड़ापन, किसी को थोड़ा डिप्रेशन, थोड़ा आर्गुमेंटेटिव बहस करना, ये दिखता है। पर मेरी तो सबसे एक रिक्वेस्ट रहेंगी, इस माँ ने 50 साल तक सब
कुछ सहन चुपचाप किया है, तो इस समय थोड़ा बड़े बच्चे हो जाते हैं और पति, इन्होंने घर में थोड़ा उनको संभाल के लेना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ 6 महीना साल भर की फेज है, उससे वापस वो पूर्ववत हो जाएगी। तो इसके अलावा एक बार जब मेनोपॉज आ जाए तो कई सारी बातें हैं जिसका ध्यान रखना है, कई सारे खान पान हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। मेनोपॉज के बाद नेचुरल टेंडेंसी वज़न बढ़ने की होती है, और हमारी औरतें घर का काम तो करते रहती है, मगर एक एक्सरसाइज करना है कि एक हफ्ते में 150 मिनट यानी एक 5 दिन भी 30-30 मिनट आप कोई एक्सरसाइज करिए, और मैं एक सारे एक्सरसाइज है, रनिंग है, जॉगिंग है, साइकिलिंग, स्विमिंग, मगर योगा की एक खास अहमियत है, क्योंकि योगा में एक्सरसाइज के साथ मानसिक संतुलन, जो आपका चिड़चिड़ापन, और इसमें भी काफ़ी मदद होती है। तो उन्होंने अपने लिए ये आधा आधा घंटा 5 दिन निकालना बहुत ज़रूरी है, तो उसमें एक्सरसाइज हो गया। और खान पान में वज़न नहीं बढ़ना है तो हमें शुगर और घी ये कम खाना है, घर में ग्रैंड चिल्ड्रन और चिल्ड्रन के लिए तो बनेगा, मगर मेनोपॉजल वुमन को ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड होल ग्रेन्स, ये सब दालें हैं, बहुत अच्छे प्रोटीन के सोर्स है, होल ग्रेन्स आर ऑल गुड। इम्पॉर्टेंट थिंग, कैल्शियम की कमी होती है, हड्डियाँ थोड़ी ब्रिटल होने लग जाती है मेनोपॉज के साथ, तो इसलिए दूध स्किम मिल्क लीजिए, आप 2% कम फैट वाला दूध लीजिए, दूध, छाछ और कैल्शियम देना ज़रूरी है। मेनोपॉज यानी 50 के ऊपर की उम्र है, तो उनको सब बीमारियां होने का अब इंसिडेंस बढ़ता है, तो इसलिए एनुअल हेल्थ चेक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेनोपॉजल वीमेन। औरतों के हिसाब से 2 इम्पॉर्टेंट चेक उनको करने हैं, एक है पैप स्मियर, जो गायनिक चेकअप, इंटरनल चेकअप के बाद हम पैप स्मियर लेते हैं, तो आगे जाके होने वाला कैंसर भी हमें मालूम पड़ता है। आज हम सुनते हैं सर्वाइकल कैंसर, यूट्राइन कैंसर और सोनोग्राफी, सोनोग्राफी से हमें ओवेरियन कैंसर भी मिलता है। ब्रेस्ट कैंसर के लिए सेल्फ पल्पेशन तो ज़रूरी है ही, मगर जिनके घर में हिस्ट्री है, माँ, बहन, मासी को पहले ब्रेस्ट कैंसर है, उनके लिए मैमोग्राफी, सोनोमैमोग्राफी करना भी बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर रेखा, थैंक यू सो मच हमें इतनी सारी बातें बताने के लिए, और एंड में जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगी वो सारे व्यूवर्स को, औरतें, मर्द जो भी हमें देख रहे हैं? तो मैं इतना ही कहूँगी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन के लिए सभी को शुभेच्छाएं, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। बिल्कुल, स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू सो मच।